सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। श्रावस्ती जनपद के इकोना इलाके में दिन भर की खबरें एक नज़र में। होली व रविवार के त्यौहार रविवार को लेकर दो दिनों तक बैंक बंद रहे, जिसके चलते आज जब बैंक खुले तो बैंकों में काफ़ी चहल पहल दिखाई दी, जिसके चलते पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर इकोना पुलिस ने बैंकों का निरीक्षण किया। यहां पर लगे सुरक्षा उपकरणों की जांच करने के साथ साथ बैंक में तैनात सुरक्षा गार्डों से सतर्क रहकर ड्यूटी करने के निर्देश दिए गए। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, इकोना इलाके के बैंकों की ये तस्वीरें। वहीं थाना क्षेत्र इकोना इलाके के अन्य स्थानों पर जो कार्यक्रम हुए उसकी एक झलक। बीरपुर चौराहे पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर होली मिलन समारोह के साथ साथ जागरण कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर शिरकत की। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। मॉडर्न थाना श्रावस्ती इलाके के बीरपुर गांव की ये तस्वीर, जहां पर जागरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, साथ ही होली मिलन कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। यहाँ पर भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे, जिन को कलाकारों ने अपने कलाओं से मंत्रमुग्ध किया। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। वहीं इकोना इलाके के वीरपुर मोड़ के पास एक ई रक्शा अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई, हालांकि इसमें सभी लोग सुरक्षित बचे। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। इकोना बाईपास के वीरपुर मोड़ के पास की ये तस्वीर, जहां पर अनियंत्रित होकर ई रिक्शा खाई में पलटा। वहीं माडन थाना श्रावस्ती पुलिस ने शांति भंग के आरोप में चार व्यक्तियों को गिरफ्तार कर मेडिकल परीक्षण कराकर उन्हें न्यायालय भेजा। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। इकोना इलाके के कटरा बाजार के सभी निवासी बताए जा रहे हैं, जिनको मॉडर्न थाना श्रावस्ती पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की और सभी को गिरफ्तार कर मेडिकल परीक्षण के लिए इकोना अस्पताल भेजा गया। वहीं सेमरी के पास चलती बाइक से गिरकर महिला चोटिल हुई, जिसके बाद उसे इकोना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, परंतु डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद महिला की हालत गंभीर बताते हुए जिला अस्पताल भिंगा रिफर किया। महिला की पहचान इकोना कस्बे के महावीर नगर निवासी 36 वर्षीय गुड़िया के रूप में हुई। वो किसी काम से भिंगा की तरफ जा रही थी, तभी सेमरी के पास बाइक से गिरकर चोटिल हुई, जिसके बाद उसे इकोना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, पर डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल में रिफर किया। वहीं थाना क्षेत्र इकोना इलाके के भलवा तमाही में पुराने मामले को लेकर पिता पुत्र के साथ मारपीट की गई, जिसमें पीड़ितों ने इकोना थाने में पहुंचकर तहरीर दी। घायलों चोटिलों की पहचान 40 वर्षीय मैकू पुत्र राम कबीर और 16 वर्षीय गोलू पुत्र मैकू के रूप में हुई, जिन्होंने इकोना पुलिस से कार्यवाही की मांग की। थाना क्षेत्र इकोना इलाके के भलवा तमाही गांव का मामला। वहीं पंचायत चुनाव के मद्देनजर इकोना ब्लॉक परिसर में लोगों की भारी भीड़ दिखाई पड़ी, जहां पर लोगों ने पर्चे खरीदे। ब्लॉक कर्मचारियों ने यहां पर पर्चों की बिक्री की और क्षेत्र से आए तमाम लोगों ने लाइन लगाकर पर्चे खरीदे। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। इकोना ब्लॉक परिसर की ये तस्वीरें, जहां पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर पर्चों की बिक्री लगातार जारी है।
वहीं छत से गिरकर 25 वर्षीय सच्चिदानंद निवासी खरगोपुर घायल हुआ, जिसके बाद परिजनों ने उन्हें इकोना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां पर डॉक्टर उनका उपचार करने में जुटे हुए हैं। इकोना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लगातार कोविड का टीकाकरण किया जा रहा है। आज भी 20 लोगों को कोविड का टीका लगाया गया। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, इकोना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ये तस्वीरें, जहां पर लोगों ने पहुंचकर कोविड 19 का टीका लगवाया। सीएससी अधीक्षक ने बताया है कि लगातार टीकाकरण किया जा रहा है, वो किसी भी पीएससी या सीएससी पर पहुंचकर टीकाकरण करा सकते हैं। इकोना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ये तस्वीरें, जहाँ पर लोगों ने पहुंचकर कोविड 19 का टीका लगवाया। वहीं इकोना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भारी संख्या में पहुंचे मरीजों का कोविड टेस्ट भी किया गया। सीएससी अधीक्षक डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव की निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार कोविड टेस्ट करने में जुटे हुए हैं। आए हुए मरीजों का कोविड टेस्ट किया जाता है, उसके पश्चात ही डॉक्टर उन्हें देखते हैं और उन्हें दवाइयाँ देते हैं। लगातार कोरोना टेस्टिंग चल रही है, जिसके चलते इस महामारी पर काबू पाया जा सके। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, इकोना इलाके के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ये तस्वीरें, जहां पर भारी संख्या में आए हुए मरीजों का कोविड टेस्ट किया गया।